इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा पावर स्टॉक के बारे में। अगर आपने अडानी पावर के इस मूवमेंट को मिस कर चुके हैं तो सियोरली इस समय आपको टाटा पावर के मूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए। और 252 के ऊपर के क्लोजिंग पे इस स्टॉक में वन साइडेड अप ट्रेंड दिखेगा। 350-400 तक के लेवल्स का, जैसा कि हमने अडानी पावर में कहा था, 132 के ऊपर के क्लोजिंग पे वन साइडेड अप ट्रेंड दिखेगा। सेम अप ट्रेंड आपको टाटा पावर में दिखने वाला है। फंडामेंटली अगर टाटा पावर को देखे तो इसका मोर देन सेल्स है अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन। अडानी पावर को जोड़ ले उसके बाद भी प्रॉफिट ऑफ टाटा पावर इज मोर देन कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ अडानी ग्रीन ट्रांसमिशन एंड अडानी पावर। फंडामेंटली टाटा पावर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अडानी पावर, लेकिन टेक्निकली जिस प्रकार से अडानी पावर के स्टॉक में आपको तेजी दिखा है, सेम एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट वीक के लिए टाटा पावर में रहने वाला है। 252 के ऊपर के क्लोजिंग पे वन साइडेड अप ट्रेंड दिखने वाला है। जिस प्रकार से 50 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए दिख रही है RSI, इस स्टॉक में RSI आपको 60 के ऊपर दिखता है तो वन साइडेड अप ट्रेंड श्योरली दिखेगा। और आई डोंट वांट कि आप इस मूवमेंट को मिस करें, इसलिए अगर आपने अभी भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है तो एक स्ट्रांगली रिकमेंडेशन रहेगा कि इस स्टॉक में बाइंग करें। और वन साइडेड अप ट्रेंड आपको, जैसा कि हमने कहा कि 252 के ऊपर के क्लोजिंग पे 330-350 का फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट 400 प्लस इस स्टॉक में दिखने वाला है। स्ट्रांगली रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर अभी तक भी पोजीशन नहीं लिया है तो सियोरली पोजीशन बाइंग करने की रिकमेंडेशन बहुत ही स्ट्रांगली रहने वाला है। और नेक्स्ट वीक में इस स्टॉक में काफी शानदार मूवमेंट भी दिखेगा।